आज की हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि क्या एक मजिस्ट्रेट के पास में यह पावर है कि वह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन दे सकता है। क्या एक मजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर अक्यूज की एब्सेंस में पास कर सकता है? तो दोस्तों, रिसेंटली कर्नाटका हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को एक केस में यह हेल्ड किया है कि मजिस्ट्रेट के पास में यह पावर है कि वह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दे सकता है इन दी एब्सेंस ऑफ अक्यूज और इन दी एब्सेंस ऑफ काउंसिल ऑफ अक्यूज। तो आइए जानते हैं इस केस के पूरे फैक्ट्स के बारे में और कोर्ट ने इस डिसीजन को देते हुए क्या रीजनिंग दी थी, किन किन केसेस का रेफरेंस लिया था। इस केस में कंप्लेनेंट ने अक्यूज के अगेंस्ट में चीटिंग से रिलेटेड एक प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च की थी। इस प्राइवेट कंप्लेंट के बेस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में FIR रजिस्टर्ड की अंडर सेक्शन 420 एंड अंडर सेक्शन 201 ऑफ द IPC और ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल कर दी और चार्जशीट फाइल करने के बाद में अक्यूज के अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम कर दिए गए अंडर सेक्शन 420 एंड 201 ऑफ द IPC। तो यहाँ पर इश्यूज यह उठता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ द CRPC एक एप्लीकेशन मूव की, जिसे अक्यूज के काउंसिल के द्वारा अपोज किया गया और अक्यूज के काउंसिल के द्वारा इसे अपोज करने पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। बट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 8 ऑफ द CRPC फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मूव की, जिसे कंसर्न मजिस्ट्रेट ने इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज एंड इन द एब्सेंस ऑफ काउंसिल ऑफ अक्यूज एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्शन दे दिए गए। तो कंसर्न मजिस्ट्रेट के इस ऑर्डर से अग्रीव होकर अक्यूज के काउंसिल ने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया अगेंस्ट दिस डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन को सेट असाइड किया जाए। तो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने अक्यूज के काउंसिल ने यह प्ली ली, यह कंटेंशन लिए कि यह जो डायरेक्शन दिया गया है, यह डायरेक्शन कंसर्न्ड कोर्ट ने अक्यूज की एब्सेंस में और अक्यूज के काउंसिल की एब्सेंस में डायरेक्शन दिया है, जबकि यह डायरेक्शन अक्यूज की प्रेजेंस में दिया जाना चाहिए था और अक्यूज को इसमें अपनी बात रखने का और अपोज करने का राइट मिलना चाहिए था। और दूसरा कंटेंशन अक्यूज के काउंसिल के द्वारा यह लिया गया कि अक्यूज के अगेंस्ट में जब चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं ऑलरेडी अंडर सेक्शन 420 एंड अंडर सेक्शन 201 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। और तीसरा कंटेंशन यह लिया गया कि जब चार्ज फ्रेम हो चुके हैं तो क्या चार्ज फ्रेम होने के बाद में मजिस्ट्रेट के पास में यह पावर है कि वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है ट्रायल स्टार्ट होने के बाद में? तो यह कंटेंशन अक्यूज के काउंसिल के द्वारा दी गई थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन के द्वारा अपोज करते हुए इन कंटेंशन को यह प्ली ली गई, यह कंटेंशन लिए गए कि कंप्लेनेंट ने अक्यूज के अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी और यह कंप्लेंट रिलेटेड थी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को फोर्ज करने से रिलेटेड और फॉल्स सिग्नेचर से रिलेटेड। और इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के तहत में चार्जशीट फाइल की और वह चार्जशीट सिर्फ सेक्शन 420 एंड 201 ऑफ द IPC के अंतर्गत की गई है, जबकि इसमें और भी वेरियस ऑफेंसेस और सेक्शंस ऐड किए जाने हैं। इसलिए कंसर्न मजिस्ट्रेट के द्वारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन देना एक वैलिड डायरेक्शन है, एक वैलिड ऑर्डर है फॉर फेयर ट्रायल। तो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज की कंटेंशंस को सुनने के बाद में दो केसेस का रेफरेंस लेते हुए डिसीजन दिया था। पहले केस का नाम था श्री भगवान समृद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था और इस केस में यह हेल्ड किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास में और कोर्ट के पास में यह पावर है कि वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर सकता है इन दी एब्सेंस ऑफ अक्यूज। और ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा दूसरे केस का जो रेफरेंस लिया गया था वह केस था देवेंद्र नाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार।
इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सन 2022 में यह हेल्ड किया था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में यह पावर है कि वह फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर फोर फेयर ट्रायल के लिए डायरेक्ट कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। तो इन दोनों केसेस का रेफरेंस देते हुए ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह हेल्ड किया इस केस में कि मजिस्ट्रेट कोर्ट हैज पावर टू डायरेक्ट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास में यह पावर है कि वह डायरेक्शन दे सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ अक्यूज और इन द एब्सेंस ऑफ काउंसिल ऑफ अक्यूज।